एक बार की बात है, जंगल के बीचों बीच बसे एक शांत गांव में एक लिली नाम की शहरी लड़की अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई थी। जब जीन्स शर्ट पहनकर और अपने हाथ में कैमरा लिए गांव में दाखिल हुई, तो सारे गांव वाले उसे घूमने लग जाते हैं। लिली गांव के मुखिया के पास जाकर गांव के बारे में पूछताछ करती है। हेलो मुखिया जी, कैसे हो आप? नमस्ते बेटा, हम बढ़िया हैं। तुम बताओ, आप हमारे गांव में किस काम से आई हो? मुखिया जी, मैं इस गांव पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए यहाँ आई हूँ। डॉक्यूमेंट्री ये क्या होता है? मुखिया जी, मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री में इस गांव के बारे में बताऊंगी। इस गांव में क्या-क्या चीज़ हैं, कैसी-कैसी जगह ही है और यहाँ कैसे लोग रहते हैं। अच्छा, तो तुम हमारे गांव पर फिल्म बनाने आई हो? अच्छा मुखिया जी, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इस गांव में कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल रह सकती हो। वो लिली गांव में एक छोटे से कमरे में रहने लगती है। वह गांव के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए गांव का भ्रमण करने लगती है। एक दिन ले लीजिए, गांव में घूम रही थी तो उसे दूर की तरफ एक जंगल दिखाई दे रहा था। अरे यह जंगल कैसा है, मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। जंगल की तरफ जा ही रही होती है कि उसे गांव की एक औरत रोक लेती है। अरे रुक जा रानी, उसे जंगल में मत जा। लिली पीछे मुड़कर देखती है और उसे औरत के पास चली जाती है। क्यों आंटी जी, मैं उसे जंगल में क्यों नहीं जा सकती? अरे तुझे नहीं पता, ये बात तो तुझे गांव में आने से पहले पता होनी चाहिए थी। नहीं, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। उस जंगल में जाना सख्त मना है। माना जाता है कि वहां दो बहुत ही डरावनी आत्माएं घूमती हैं। आत्माएं? किसकी आत्माएं? वह दोनों आत्माएं एक भूतिया फौजी और एक खौफनाक चुड़ैल की है। बहुत सालों से उनके बीच में एक दुश्मनी चल रही है। भूतिया फौजी और खौफनाक चुड़ैल की लड़ाई? क्यों, उन दोनों की किस बात पर लड़ाई हो रही है? अब ये मुझे नहीं पता, हमारे गांव में से एक आदमी उसे जंगल में गया था और फिर वह कभी वापस नहीं आया। और रात को भी जंगल से किसी मर्द के बहुत दर्द भरी रोने की डरावनी आवाज आती है। मैं तो इस जंगल के आसपास बिना भटकती। अच्छा आंटी, मैं अब भी जंगल की ओर नहीं जाऊंगी। उसे गांव की औरत से बात करके वापस अपने घर चली जाती है। रात को न्यूज़ भूतिया फौजी और खौफनाक चुड़ैल के बारे में सोने की वजह से सो नहीं पाती। लिली के अंदर जिज्ञासा थी कि एक बार वह जंगल में जाकर देखें कि आखिर बात क्या है। अगर मैं ऐसी सोचती रही तो मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे एक बार उसे जंगल में जाकर देखना होगा। क्या पता मुझे मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई अच्छी कहानी मिल जाए। लिली अपना कैमरा थामे उसे आधी रात को जंगल की ओर निकल पड़ती है। चांदनी रात की वजह से पूर्णिमा की चांदी की रोशनी ने जंगल को एक भयानक चमक से भर दिया था। वह हरी गहरी जंगल में चलती जा रही थी, जहां पेड़ कुछ रहस्यों को फुसफुसाते हुए प्रतीत हो रहे थे। वह जितना आगे चलती गई उतना ही ठंडा और गहरा होता कि आप यह ऐसा था मानो जंगल नहीं, उसे वापस लौटने की चेतावनी दी हो। लेकिन लिली आसानी से डरने वालों में से नहीं थी। रास्ते में पेड़ के पीछे एक अजीब से आकृति दिखाई पड़ती है। लिली उसे देखकर रुक जाती है। अंधेरे की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी अचानक से वह आकृति बढ़ने लगती है और रोशनी की वजह से पता चलता है कि वह तो भूतिया किसान है। उसके लाल लाल चमकती हुई आंखें और उसका जख्मी चेहरा बहुत ही भयानक था। मेरी मदद करो। लिली भूतिया किसान को देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन तभी वह भूतिया किसान की आवाज सुनकर थम जाती है। भूत की आंखों में देखती है तो उसे गुस्से की जगह निराश दिखाई देती है। वह इतना भयानक व्यक्ति नहीं था जिसकी उसने अपेक्षा की थी। वह धीरे से उसके पास ही और पूछा, तुम कौन हो? तुम इस जंगल में क्यों घूमते हो? मैं विवेक शर्मा हूँ, एक किसान जिसने कई सालों पहले देश की एक महान लड़ाई लड़ी थी। मैं तब से जंगल में फंस गया हूँ और शांति पाने में असमर्थ हूँ।
लिली ने इस फौजी की प्रति सहानुभूति जताई। आपको क्या हुआ विवेक जी, आप यहाँ क्यों हैं? मैं एक दिन अपने देश की लड़ाई लड़ रहा था। लड़ाई में मैंने एक दुश्मन देश की फौजी को जान से मार दिया था। जिस माँ का वह बेटा था वह एक तांत्रिक थी। जैसे ही उसे पता चला कि मैं उसके बेटे को मारा है तो उसने मुझे श्राप दे दिया कि मुझे करने के बाद तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कोई मेरे प्रति करुणा और क्षमा की भावना नहीं दिखाएगा। वह तांत्रिक करने के बाद एक भयानक चुड़ैल बन गई जो इस जंगल पर राज करती है, और उसी के शराब के कारण मैं इस जंगल में भटकता रहता हूँ। लिली का दिल किसान के बारे में दिखा, लेकिन वह जंगली चुड़ैल के बारे में जानकर आश्चर्यचकित हो गई। भूतिया फौजी की मदद करने और जंगली चुड़ैल की दूसरा को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। मैं आपको इस हिसाब से मुक्त करने में आपकी मदद जरूर करूंगी। क्या आप मेरे साथ उसे भयानक चुड़ैल से मिलने चलेंगे? और उसने लिली से कहा, यह रास्ता आसान नहीं होगा। हमें भयानक चुड़ैल का सामना करना होगा और तुम्हें उससे अच्छाई की अपील करनी होगी जो अभी भी उसके भीतर मौजूद है। लिली बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। वह भूतिया फौजी को अपने साथ लेकर जंगल की ओर गहराई में जाती रही जब तक कि वह एक बूढ़े हुए और कटे फटे पेड़ पर नहीं पहुंचे जो गांधी और हरी धुन से गिरा हुआ था। उसे डरावनी जगह पर ही भयानक चुड़ैल की झोपड़ी थी। हमें बहुत सावधानी से इसके अंदर जाना होगा, जरा सी चौक से तुम्हारी जान जा सकती है। जैसे लिली और भूतिया किसान अंदर की तरफ आए, उसने देखा कि वहां भयानक चुड़ैल खड़ी हुई है। उसके बाल कांटों से उलझे हुए थे और उसकी आंखें नफरत से चमक रही थीं। लेकिन लिली उसके डरावनी रूप से बिल्कुल नहीं डरी। तुम मेरी झोपड़ी में क्यों आई हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? लिली आगे बढ़ी और करुणा भरी आवाज में बोली, मैं विक्रम जी के लिए आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें अपने श्राप से मुक्त कर दें। चुड़ैल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसके भीतर मानवता की एक चिंगारी चमक उठी। तुम वैसे पहले इंसान हो जिसने इस किसान के प्रति करुणा दिखाई है। क्या तुम्हें इस किसान से और मुझसे डर नहीं लगता? नहीं, क्योंकि मेरा मानना कि सबकी अंधेरे भरे दिल में क्षमता की क्षमता होती है। उस लड़ाई में सिर्फ आपका बेटा ही नहीं मरा था, बहुत से फौजियों की उसे लड़ाई में जान चली गई और वह मुक्त हो गए। लेकिन आपके श्राप ने न सिर्फ किसान को बल्कि आपको भी मुक्ति से वंचित कर रखा है। आप भी नफरत की बेड़ियों में बंधी हुई हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब भी श्राप को तोड़कर किसान को आपको भी मुक्त कर दे। भयानक चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैंने इस श्राप को इतने लंबे समय तक झेला है और इसने मेरे अंदर की नरमी को भस्म कर दिया है। अगर आप मदद करने को तैयार हैं, तो मैं इस श्राप को तोड़ने की पूरी कोशिश करूंगी। इस श्राप को मैं खुद नहीं तोड़ सकती, इसमें मुझे आपकी और इस किसान की मदद लगेगी। मैं और किसान आपकी मदद जरूर करेंगे। आप एक बार श्राप को तोड़ने का उपाय बताएं। जंगल के बीचों बीच एक छुपा हुआ पेड़ है, उसे करुणा का हृदय कहा जाता है। उसे पेड़ पर एक बहुत ही सुंदर, शक्तिशाली और जादुई रत्न लगा हुआ है। वही रत्न इस श्राप को तोड़ सकता है। मैं और किसान आपके साथ उसे पेड़ को ढूंढने जरूर चलेंगे। लिली, भूतिया किसान और भयानक चुड़ैल उसे पेड़ को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उनकी यात्रा खतरनाक थी, लेकिन लिली के बहादुर भूतिया फौजी के मार्गदर्शन और जंगली चुड़ैल के नए दिन संकल्प ने उन्हें हर चुनौती पर काबू पाने की हिम्मत थी। आखिरकार भी जंगल के बीचों बीच पहुंच गए जो बहुत ही सुंदर था। वहीं उन्हें वे करुणा का हृदय वाला पेड़ और उसे पर लड़का वह जादू और शक्तिशाली रण दिखा जो अपनी शक्तियों से चमक रहा था। अब बारी आ गई है श्राप से मुक्त होने की चूहे, और वे हाथ लगाते टूट गया
जिसके प्रभाव से भूतिया, किसान और भयानक चुड़ैल श्राप से मुक्त हो गए। श्राप से मुक्त होने की वजह से भूतिया किसान का रूप ही एक जवान किसान में बदल गया और भयानक चुड़ैल, जिसके रूप से सब डरते थे, वह बहुत सुंदर परी बन गई। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आपने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है। हाँ लिली, अगर आप नहीं होती तो शायद हम कभी श्राप से मुक्त नहीं होते। आगे भविष्य में आपको जब भी मदद चाहिए हो तो आप मुझे याद करेगा, मैं आपकी मदद करने जरूर आऊंगी। और तभी किसान और परी आसमान में गायब हो जाते हैं। लिली वापस गांव की तरफ रवाना हो जाती है और सभी गांव वालों को इकट्ठा करके खुशखबरी देती है, अब से आप सबको कोई भूतिया फौजी या कोई भयानक चुड़ैल तक नहीं करेगा, वह मुक्त हो गए हैं। सभी गांव वालों ने लिली को धन्यवाद खत्म करके वापस अपने शहर को रवाना हो जाती। एक शहर में राजेश नाम का बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। वह सुकून की जिंदगी गुजार रहा था, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी उम्र अब 40 साल हो गई थी और वह पिछले 15 सालों से एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा था। एक दिन वह सोचता है, मैंने ऐसा जीवन जिया जैसा जीवन हर आदमी की ख्वाहिश होता है, पढ़ाई लिखाई, अच्छी जॉब, अच्छी इनकम, सब कुछ, पर अब मुझे कुछ और करना है, ऐसा कुछ जिससे मेरा नाम हो, पर ऐसा क्या ही कर सकता हूँ मैं। ये सब सोचकर राजेश सो जाता है और वह सपने में देखा कि उसने कुछ ऐसा काम कर दिया है कि पूरा देश उसे जानता है, लोग उसके इंटरव्यू लेना चाहते हैं, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। तभी उसकी आंख खुलती है, वह देखता है तो सुबह हो रही होती है। लगता है मैं इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया, तभी तो मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। वह उठता है और तैयार होता है और अपने ऑफिस जाता है। ऑफिस में उसे उसका पुराना दोस्त लव मिलता है, जो वही उसके साथ काम करता था। हेलो, क्या हाल है राजेश भाई? हाल बढ़िया है, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ। यार तू एक लंबे टाइम से मेरे साथ है, तू जानता है मैंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी है और वह सब कुछ पाया है जो मैं पाना चाहता था, जिससे मेरा नाम हो,